Hey guys, I'm Akshay Singh and I'm back with my another video. Today's topic is very interesting because I'm going to be talking about the composition. Yes, you heard it right, the composition, the most asked question in photography. So what is composition, or what should be the composition in flat lay, or what should be in 45 degree angle? What is the rule of third? What is the center composition? So I'll try to cover these things in today's video. So chaliye shuruaat karte hain. बात करते हैं कॉम्पोजिशन क्या होता है। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो कॉम्पोजिशन वो होता है जब आप अपने इमेज के एलिमेंट्स को कुछ इस तरीके से प्लेस करते हैं जिससे आपका पॉजिटिव एलिमेंट्स और नेगेटिव स्पेस बैलेंस रहे व्यूअर्स के लिए, और एक अच्छा कॉम्पोजिशन इमेज को और ज़्यादा अट्रैक्टिव और डायनेमिक बनाता है। आप इमेजिनरी कर्व्स या सिमेट्रिकल लाइंस का भी यूज़ कर सकते हैं इमेज को कंपोज करने के लिए। अब आते हैं रूल ऑफ थर्ड पे। सो रूल ऑफ थर्ड इमेज को 9 parts में इक्वली डिवाइड करता है, 2 vertical lines और 2 horizontal lines का यूज़ करके, जिससे 4 intersecting points क्रिएट होते हैं। इन पॉइंट्स में अगर आप अपना सब्जेक्ट प्लेस करते हैं तो काफ़ी अपीलिंग लगता है और ऑटोमेटिकली हमारा फोकस उस सब्जेक्ट पे जाता है और एक कनेक्शन बिल्ड करता है आपके सब्जेक्ट का और बैकग्राउंड या फोरग्राउंड का। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं एक सेटअप क्रिएट कर रहा हूँ रूल ऑफ थर्ड का यूज़ कर। मैंने अपना मेन सब्जेक्ट सेंटर में ना रख कर राइट साइड में प्लेस किया है जहाँ हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्रिएट हो रहा है। अब हमारा सारा सेटअप हो चुका है, चलिए एक फ़ोटो क्लिक करते हैं। सेंटर कंपोजिशन एक बहुत ही सिंपलेस्ट और पावरफुल तरीका होता है आपके सब्जेक्ट को अटेंशन देने के लिए। इस कंपोजिशन में आपका सब्जेक्ट इमेज के बिल्कुल सेंटर में रहता है, जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाता है आपके मेन सब्जेक्ट का आपके व्यूवर्स को। और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं सेंटर कंपोजिशन के। तो ये कुछ रूल्स हैं आपके फोटोग्राफी में एक बैलेंस कॉम्पोजिशन बनाने के लिए। अगर आपको लगता है कि आप ये रूल्स यूज़ करके आपको एक आइडिया हो जाए कि बैलेंस कॉम्पोजिशन बनाने का, देन आपको कोई ज़रूरत नहीं है हमेशा ये रूल्स को फॉलो करने का। क्योंकि अगर हमेशा ही आप रूल्स के सहारे चलते रहेंगे तो आपकी क्रिएटिविटी कैसे डेवलप होगी। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो समझने में, देन गिव इट अ थम्स अप एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स और एनीवन जिसको भी फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, जिसके लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगी। और अगर आपने अब तक वीडियो देख ली है देन प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।